हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप करते हैं जनरल कंपटेंट की तैयारी, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीपीओ, ये सारे जनरल कंपटेंट यदि आप तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले आपको एक बाय प्रोसेस बताएंगे कि इसको कैसे बनाएंगे प्रोसेस के थ्रू, और उसके बाद एक हम आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के थ्रू आप इस क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड से कम टाइम में कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस के थ्रू। हमारे पास क्वेश्चन है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक को दोगुना, घनाभ है हमारे पास, घनाभ की लंबाई चौड़ाई दोनों को दोगुना तथा ऊंचाई को आधा गुना कर दिया जाए, तो उसकी ऊंचाई को आधा गुना कर दिया जाए तो घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा, मतलब उसका जो पहले का जो आयतन था वो कितना गुना हो जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास आधा, डेढ़ गुना, दो गुना या चार गुना। तो हम प्रोसेस के थ्रू आपको बताते हैं, घनाभ का आयतन जो होता है वो हमारे पास एल, बी और एच होता है। और सबसे पहले आप लेंगे, माना कि घनाभ की लंबाई बराबर L, चौड़ाई D और ऊंचाई H होगी। तो क्वेश्चन के अनुसार में दिया हुआ है, जो L होगा, जो लंबाई होगा वो दोगुना होगा, जो चौड़ाई होगा वो भी दोगुना होगा होगी, और जो ऊंचाई होगा वो हमारे पास दिया हुआ है वो आधा होगा, यानी 1/2 होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, ये तो हमारा प्रारंभिक आयतन हो गया पहले का, और उसके बाद हम चौड़ाई, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को इसके अनुसार करते हैं, दोगुना लंबाई और चौड़ाई को दोगुना करते हैं और ऊंचाई को आधा करते हैं, तो घनाभ का आयतन जो है वो तो फॉर्मूला था एल बी एच, और यहाँ पर लिखे हुए हैं एल जो है 2L, B जो है 2B और H जो है 1/2 H होगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 L B H by 2 यानी 2 2L B H। और हमारे पास पूछ रहा है कि प्रारंभिक आयतन का कितना गुना होगा, लिखेंगे प्रारंभिक आयतन बराबर जो हमारे पास है वो अभी ये है 2L B H, और जो सबसे पहले प्रारंभिक था वो एल बी एच था, तो एल बी एच से एल बी एच गया दो गुना, इसका जो आंसर होगा वो दो गुना होगा। लेकिन इसका एक ट्रिक है, इतना प्रोसेस करने से अच्छा होगा कि हम उस ट्रिक पे बताएं, और ट्रिक जो है आपको बहुत शॉर्ट में होगा। ट्रिक ये है कि जो हमारा फॉर्मूला था घनाभ का आयतन एल बी एच होता है, तो सबसे पहले आप देखिए कि लंबाई कितना गुना किया गया है, दो गुना, दो लिख दीजिए। चौड़ाई कितना गुना किया गया, दो गुना, और ऊंचाई को आधा किया गया है। देखिए ऊंचाई को आधा किया गया है, यानी फॉर्मूला हमारा वही है एल बी एच, केवल नहीं है कि उसको दोगुना किया गया, लंबाई को चौड़ाई को भी दोगुना किया गया और ऊंचाई को आधा किया गया, दो से दो गया यानी दो गुना। ये हमारा ट्रिक होगा, आप इसे बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक और आपके पास क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू बताएंगे, आप इस क्वेश्चन को बार बार करें। यदि आपको कहीं भी परेशानी होती है तो आप हमें वीडियो लेक्चर को फिर से चालू करके और उसको देखें, ताकि आपका पूरा जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में से प्रत्येक, घनाभ की जो लंबाई और चौड़ाई है उसमें से प्रत्येक को 6 गुना कर दिया जाता है तथा ऊंचाई को आधा कर दिया जाता है, तो घनाभ का आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा, प्रारंभिक आयतन का कितना गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, जो हमारा घनाभ का आयतन होता है वो एल बी एच होता है, और हमें ये दिया हुआ कि लंबाई 6 गुना, यानी लंबाई 6 गुना डायरेक्ट लिख रहे हैं ट्रिक के थ्रू, लंबाई जो है 6 गुना, चौड़ाई भी 6 गुना करता है, और उसकी जो ऊंचाई है उसको आधा कर देता है, आधा कर देता है 3 बार में 6 गुना 3, यानी जो हमारा प्रारंभिक आयतन होगा वो 18 गुना बढ़ जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा 4
इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आपको बढ़ाया जा सकता है, लंबाई को कहने का कि 4 गुना, चौड़ाई को 3 गुना, और जो ऊंचाई है उसको भी कुछ कर लेगा, कुछ भी यहाँ पे डिजिट चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए 4 गुना कर देता है तो बताइए उसमें कितना गुना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे, 4 गुना 3 गुना 4 चलती है 12 बच्चों को 48 गुना, यानी जो उसका आंसर होगा 48 गुना। इसी तरीके से बार बार इसका डिजिट चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।